हेलो बच्चों, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। आप लोगों के लिए मैंने ये दूसरा वीडियो आज तैयार किया है। कल हम लोगों ने अपनी बुक का परिचय अपने फर्स्ट वीडियो में पाया। हमने शीत युद्ध का अर्थ समझा था उसमें, और साथ में ही दो द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ उसमें कौन कौन सी महाशक्तियां शामिल थी, किस तरीके से संघर्ष चल रहा था, ये सारी बातें हमने पहले वीडियो में देखी थी। आज भी हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। शीत युद्ध का दौर काफी लंबा चला था, 1945 से लेकर 1991, 1945 से 1991 तक, और उसमें बहुत सारी घटनाएं हुई। उसमें से एक घटना क्यूबा मिसाइल संकट, आपने मैंने कल आपको एक स्टोरी के तौर पे बताया था कि किस तरह से दुनिया के सामने एक संकट आ खड़ा हुआ। अब उसके बाद ये जो शीत युद्ध का दौर था, इसको ये भी कहा जाता है कि ये दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ था। दो ध्रुव यानी शक्ति के दो केंद्र होना। इसमें क्या था कि पूरी दुनिया जो है वो दो खेमों में बट गई, दो गुटों में बट गई। शक्ति के दो रूप, दो केंद्र पूरी दुनिया में हमारे सामने आए। और दोनों महाशक्तियां क्या कर रही थी? अपने अपने प्रभावों को बढ़ाने के लिए, अपनी अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए लगी हुई थी। ये दौर दो द्विध्रुवीयता का दौर कहा जाता है। अब ये महाशक्तियां इसमें क्या कर रही थी, ये देखिए। इसका सबसे बड़ा एक जो द्विध्रुवीयता का प्रभाव जो पड़ा वो यूरोप पे पड़ा। यूरोप का विभाजन हो गया। जो ये लाल रंग आप इस मानचित्र में देख रहे हैं, ये है पूर्वी यूरोप जो कि सोवियत संघ के प्रभाव में आया। और जो पीला रंग आप देख रहे हैं, ये है पश्चिमी यूरोप जो कि अमेरिका के प्रभाव में आया। पूंजीवाद और लोकतंत्र का प्रभाव था यहाँ पर। और जो रेड कलर है उसमें आपको दिखेगा साम्यवाद, साम्यवादी प्रभाव क्षेत्र, ये राष्ट्र दिए गए हैं। और इसमें जो ग्रीन कलर है वो भी कम्युनिस्ट देश है। और जो बीच में स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया दिखाए गए, ये एक तरीके से तटस्थ राष्ट्र थे जिन्होंने किसी का भी पक्ष नहीं लिया, जो किसी भी गुट में शामिल नहीं थे। तो इस तरह से दुनिया जो है दो भागों में बढ़ती जा रही थी। अब ये जो मैप है, मैं चाहूंगी कि आप सब बच्चे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो इसे कॉपी में ड्रॉ करें। अगर आपके पास यूरोप का मैप है तो उसमें आप ये कलर करके और इसे बनाएं। उसी से आपको, क्योंकि आपके मैप 5 मार्क्स का एक मैप का क्वेश्चन आता है बोर्ड के एग्जाम में, तो आपकी शुरुआत हर तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस की होनी चाहिए। तो पहला मैप ये मैं आपको एक होमवर्क की तरह दे रही हूँ कि आप इसको बनाएंगे और समझेंगे कि कैसे द्विध्रुवीय जो विश्व सामने आया शीत युद्ध के दौरान, उसमें कौन कौन से देश किस महाशक्ति के साथ थे और कैसे वो अलग अलग संगठन बना रहे थे। अभी देखिए, पूर्वी यूरोप जो था उसके अधिकांश देश सोवियत संघ के गठबंधन में शामिल हो गए, और इस गठबंधन को पूर्वी गठबंधन कहा गया। इसके मेन देश जो थे वो थे पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया आदि। जर्मनी का नाम आया तो एक बात मुझे जो याद आई है, जर्मनी का विभाजन हुआ था, और जर्मनी का विभाजन एक बहुत विश्व इतिहास की बहुत ही एक प्रमुख घटना है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन, बर्लिन के बीचों बीच एक बहुत बड़ी दीवार खींच दी गई, और एक तरफ पूर्वी जर्मनी जो कि सोवियत संघ का साथी था और पश्चिमी जर्मनी जो कि अमेरिका के साथ था। तो जर्मनी की जो ये बर्लिन की दीवार है, इसका जब इसको तोड़ा गया, वो भी एक प्रतीक था शीत युद्ध के अंत का। उसे हम आगे देखेंगे सोवियत संघ के पतन में। पश्चिमी यूरोप जो था उसके अधिकतर देशों ने अमेरिका का पक्ष लिया और इनको पश्चिमी गठबंधन कहा गया। इसके अंदर मेन देश थे ब्रिटेन, नॉर्वे, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, स्पेन, इटली और बेल्जियम इत्यादि। अब एक सवाल यहाँ पर उठता है, और आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी है, और ये एक अच्छा प्रश्न भी है कि
ये जो महाशक्तियां थी इनके पास परमाणु बम थे, खूब शक्तिशाली थी अर्थव्यवस्था इनकी स्ट्रांग थी, तो ऐसा क्या कारण था कि इनको इन छोटे छोटे देशों को अपने में मिलाने की जरूरत थी? ये क्यों ऐसा कर रहे थे कि आओ मेरे गुट में आ जाओ, मेरे गुट में आ जाओ? तो इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन था कि बड़े देश क्यों छोटे देशों को अपने साथ ले रहे थे। तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण था कच्चा माल, महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन, क्योंकि ये बड़े देशों के पास भी सारी चीजें नहीं थी। और वो संसाधन सबसे मेन क्या थे? तेल, खनिज पदार्थ, जो कि इन छोटे छोटे देशों में बहुत ज्यादा पाए जाते थे। और इनके लिए ये एक-एक अपने गुट को बढ़ाने के लिए कि हमें कच्चा माल निर्बाध रूप से मिलता रहे, इसकी कोशिश में ये महाशक्तियां लगी हुई थी। दूसरा रीजन था, जैसे आपने क्यूबा के अंदर समझा कि क्यूबा मिसाइल संकट में उसने क्यूबा में अपने सैनिक अड्डा बना दिया, तो इन महाशक्तियों को भी भू क्षेत्र चाहिए था अपनी सैनिक अड्डे बनाने के लिए, अपने हथियारों को और अपनी सेनाओं को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए। तो ये एक और ये रीजन था। फिर ये छोटे छोटे देशों की मदद करके, वहां पर मदद करने के साथ साथ एक तरीके से उनसे मदद ले रहे थे, उन्हें कच्चा माल मिलता था और मैन पावर मिलती थी इन राष्ट्रों से। फिर एक और दूसरी लड़ाई जिसका कल हमने जिक्र किया था, विचारधाराओं की लड़ाई, कि पूंजीवाद फैलेगा दुनिया में या साम्यवाद फैलेगा, तो ये एक लड़ाई थी। तो ज्यादा से ज्यादा देशों को अपनी विचारधारा में शामिल करना भी इनका उद्देश्य था। और फिर एक बात ये चाहते थे कि इस तरीके से हम पूरी दुनिया के अंदर अपनी विचारधारा को फैलाकर अपना बड़ा एक विचारधारात्मक साम्राज्य बना ले, जो कि एक नव उपनिवेशवाद जिसको कहा जा सकता है, कि जहां पर डायरेक्ट आप उस छोटे से देश पर शासन नहीं कर रहे, परंतु कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से आप उस देश की अर्थव्यवस्था को, उस देश की राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं। तो ये दोनों कार्य जो है ये इन दोनों महाशक्तियों के द्वारा किए जा रहे थे। अब इन्होंने अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए संधियां की, इसका भी जिक्र हमने कल पढ़ा था। इनमें महत्वपूर्ण संधि थी जो अमेरिका ने की अपने पश्चिमी यूरोप के देशों, एशिया के छोटे नव स्वतंत्र देशों, इन सब के साथ मिलकर, सीटो, सेंटो, नाटो, और सोवियत संघ ने किया वारसा पैक्ट। अब ये जो नाम आ रहे हैं नाटो, सीटो, सेंटो, ये सब शॉर्ट फॉर्म्स हैं। आपको ये वीडियो देखने के साथ साथ मैं थोड़ा होमवर्क भी देती जा रही हूँ। पूरे चैप्टर में मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर का पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजा है, तो सभी बच्चे शॉर्ट फॉर्म्स जितनी भी है फर्स्ट चैप्टर में वो नोट डाउन करेंगे, मैप वर्क करेंगे। नाटो क्या था? नाटो एक नॉर्थ, इसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, पश्चिमी देशों का गठबंधन, जो कि अप्रैल 1949 में बना। अमेरिका के साथ इसमें 12 देश थे, और इनका उद्देश्य क्या था कि हमें पूरे दुनिया के अंदर लोकतंत्र को और पूंजीवाद को फैलाना है। और साथ में इन्होंने एक ये करा था कि इन 12 में से किसी पे भी अगर आक्रमण होगा तो वो 12 के 12 पर आक्रमण माना जाएगा, और 12 के 12 देश साथ में मिलकर उसका सामना करेंगे। तो ग्रुप बना लिया तो अब किसी की कोई हमला करने की हिम्मत ही नहीं हो सकती। और इसके जवाब में सोवियत संघ ने क्या किया? सोवियत संघ ने वारसा पैक्ट बनाया जो 1955 में बना, और इसका मेन उद्देश्य ये था कि नाटो का मुकाबला करना। इस तरह के बहुत सारे संगठन बने। अब एक टॉपिक आपकी एनसीईआरटी की बुक में आता है कि शीत युद्ध के प्रमुख दायरे। अब शीत युद्ध के दायरे दायरे के अंदर क्या आ जाएगा? बहुत सारी घटनाएं जो घटी, एक का जिक्र हमने किया कल क्यूबा का, ऐसे ही बहुत सारी घटनाएं थी जिसके अंदर अफगानिस्तान, वियतनाम की घटना, हंगरी की घटना, बर्लिन की दीवार, डोमिनिकन रिपब्लिक की घटना, और ये सारी चीजें आपके एनसीईआरटी की बुक में लिस्ट बनाकर दी हुई है जो आपको अभी दिख रहा है स्लाइड के अंदर, इसे आपको नोट डाउन करना है। फिर एक और चीज जो कि शीत युद्ध के दौरान हुई वो ये थी कि
कि महाशक्तियों को समझ में आया कि हम जो ये शस्त्रों की होड़ हमने चला रखी है वो मतलब देश के लिए दुनिया के लिए अच्छी नहीं है। इन्हें थोड़ा समझ में आ गया कि हमें निशस्त्रीकरण अपनाना चाहिए और शस्त्रों की होड़ कम करनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने कई निशस्त्रीकरण संधियां करी। उन संधियों में परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, परमाणु अप्रसार संधि, परमाणु प्रक्षेपास्त्र परिसीमन संधि, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, इनके शॉर्ट फॉर्म भी आपकी बुक में दिए हुए हैं, CTBT, NPT, ये सब आप नोट करेंगे। ये सब संधियां हुई और इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था शस्त्रों को सीमित करना और शस्त्रों के निर्माण को सीमित करना और जो पहले से ज्यादा शस्त्र बने हुए हैं उन्हें समाप्त करना। ये सब संधियां शीत युद्ध के दौरान हुई। आपके बुक में एक ये चैप्टर में कार्टून दिया हुआ है और ये भारतीय कार्टूनिस्ट कुट्टी का कार्टून है। इसमें दिखाया गया है कि अवसरवादी सोच कैसी होती है, कि शीत युद्ध के दौरान कुछ देश जो साम्यवादी थे, आज भी साम्यवादी है, चाइना, चीन साम्यवादी था और साम्यवादी था तो स्पष्ट सी बात है कि वो सोवियत संघ का मित्र रहा होगा, परंतु इसमें जो दिखाया गया है कि पीछे से हाथ जो उसका पकड़ा हुआ है वो अमेरिका है। यानी चीन ने अवसरवादी सोच को अपनाते हुए साम्यवादी देश होते हुए भी अमेरिका का साथ दिया, अमेरिका से संधि की। फिर एक और कार्टून आपके दिया हुआ है जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति को दिखाया गया है जो कि नीचे जो क्रैब दिया हुआ है उसको वियतनाम के रूप में दर्शाया गया है कि ये तो एक क्रैब है, हम तो इसे ऐसे ही कुचल देंगे और एक लंच डिनर की तरह इसे खा जाएंगे, परंतु वियतनाम जो था वो अमेरिका के लिए एक बहुत ही बड़ी मुसीबत बन गया। अमेरिका में वियतनाम का हस्तक्षेप जो था वो बहुत ही ज्यादा अमेरिका पे भारी पड़ा, ये इस कार्टून में दिखाया गया है। तो आप ये कार्टून भी समझ गए होंगे। फिर इस चैप्टर के अंदर मेन चीजें यही है, शीत युद्ध को आपने समझा और शीत युद्ध के दौरान क्या क्या हुआ ये आपने देखा कि द्विध्रुवीय विश्व क्या होता है, किस तरह से महाशक्तियां जो है वो छोटे राष्ट्रों को अपने पक्ष में करने की कोशिश करती हैं, निशस्त्रीकरण की संधियां हुई ये आपने देखा। अब इसके बाद जो एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई शीत युद्ध के दौरान वो थी गुट निरपेक्ष आंदोलन। यानी जब दुनिया दो गुटों में बट रही थी तो कुछ ऐसे भी राष्ट्र थे जो दोनों गुटों में शामिल होना नहीं चाहते थे। क्यों नहीं चाहते थे? नए नए स्वतंत्र हुए थे, ब्रिटेन, फ्रांस और कई साम्राज्यवादी शक्तियों से आजाद हुए वे, एशिया अफ्रीका के नव स्वतंत्र राष्ट्रों ने के बीच में चिंता थी कि अगर हम किसी गुट में शामिल हो गए तो फिर से हमारी स्वतंत्रता छिन ना जाए। तो इन्हीं नव स्वतंत्र राष्ट्रों में से 5 राष्ट्रों ने मिलकर एक आंदोलन शुरू किया। इसके बारे में पूरा डिटेल से हम अपने कल के वीडियो में पढ़ेंगे और देखेंगे कैसे, किसने इसकी स्थापना की, गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या था और आज के टाइम में जब गुट नहीं है तो इसका क्या सरोकार है। तो कल जो हमारी वीडियो होगा उसमें गुट निरपेक्ष आंदोलन के साथ ही हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। आशा है आप लोगों को कुछ बातें समझ में आई होंगी। PDF जो आपको दिया गया है उसको आप पढ़ेंगे और जो होमवर्क आपको रजिस्टर में करने के लिए बताया गया है वो भी आप करेंगे। साथ ही साथ मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसमें अपना कमेंट करें और क्वेश्चन पूछें जिससे कि मुझे पता चले कि आप वीडियो देख रहे हैं और समझ रहे हैं, हमारी कोशिश सही जा रही है या नहीं, तो ये आपके फीडबैक से ही हमें पता लगेगा। थैंक यू, सेफ रहो, सुरक्षित रहो, घर पे रहो।